अपने फेसबुक पेज से सर्च ऑप्शन जाइए, वहां पर आप बज एफएम टाइप कीजिए, BUZZFM, सर्च करेंगे बज एफएम का पेज मिल जाएगा, वहां पर पहली पोस्ट है RJQK की और उसमें टॉपिक भी लिखा हुआ है और हमारा जो फोन नंबर है वो भी लिखा हुआ है, तो तुम लोग और मुझे ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट करके अपना फीडबैक दो मुझे कि कैसा लग रहा है, कि मुझे कमेंट करो यार जल्दी से, हाँ मेरे शो में शामिल हो जाओ, जैसे फाइका खान है बहुत दिल फेंक रही है फाइको फाइको क्या कर रही हो लारेब, अच्छा 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 मैं पढ़ लूँ फिर मैं शामिल करता हूँ ये, ठीक है। कॉल्स का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मैंने रोका हुआ है, 4 मिनट मैं मजीद आपके कमेंट्स शामिल कर लूं और उसके बाद फिर आपकी लाइव कॉल्स शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग अपने मोबाइल्स रेडी रखो, नंबर नोट कर लो लाइव कॉल के लिए, पूरे 2 बजे दोबारा आपकी कॉल्स स्टार्ट हो जाएंगी, नंबर नोट कर लो, डायल करना शुरू कर दीजिए 04235774942 इज द नंबर टू डायल, आई रिपीट 04235774942 is the number to dial. हाय, इतनी वेरिएशन के साथ कभी नंबर सुना तुम लोगों ने? हाँ, अब तो तुम लोगों को जबानी याद हो जाना चाहिए। सो मीन वाला मुझे कमेंट भी करें और आप मुझे कॉल्स भी करें, टॉपिक से हटके भी बात करें, ओपन है ये प्लेटफॉर्म, इसमें आओ, टॉपिक से हटके भी बात, कुछ भी कहना चाहते हो, अच्छी सी बात शेयर करना चाहते हो, शुगर लगाना चाहते हो, कुछ सॉन्ग सुनाना चाहते हो, कुछ अच्छी बात शेयर करना चाहते हो, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान के लड़के लड़कियों, पूरी दुनिया में जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबको मैं वेलकम करूंगा इस मिडनाइट बज विद RJQK में। लरेब का कमेंट पढ़ते हैं, कुछ उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ जुमले या इसको पीस ऑफ पोएट्री कह सकते, पोएट्री तो नहीं, आजाद नजम टाइप चीज कह सकते हैं, या कुछ ऐसा एक सलीम कोसर साहिबा ने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं वो शेयर किए उन्होंने, वो मैं शामिल करता हूं। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हां, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये फरसूदा सा जुमला है मगर फिर भी यही जुमला दरीचों, आंगनों, सड़कों, गली कूचों में, चुबारों में, चुबारों की टूटी सीढ़ियों में, हर जगह कोई ना कोई किसी से कह रहा है, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मोहब्बत डायरी हर किस नहीं है, मोहब्बत डायरी हर किस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नाइस, सलीम कोसर, इन्होंने ये लिखे हैं अल्फाज। एनीवेज, एक सवाल पूछे तुम लोगों से, क्या तुम लोगों को मेरे शो से मोहब्बत है? कमेंट करके बताओ मुझको, लाइव कॉल के लिए रेडी हो जाओ और कमेंट करो जल्दी से मुझे बज एफएम के फेसबुक पेज पर। आइए, वहां पर पहली पोस्ट है RJQK की, उस पोस्ट को लाइक शेयर और कमेंट करके मेरे शो में शामिल हो जाइए। मासूमा काजमी कहती हैं, फर्स्ट टाइम सुन रही हूं आपका शो, वेरी नाइस फ्रॉम लाहौर, अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर। मासूमा काजमी, आप लड़के हैं या लड़की हैं? सुन रही हूं, ठहरे, हाँ सुन रही हूँ। अच्छा, शायद मेरे ख्याल में भाई की पिक्चर लगाई होगी आपने। बट बहुत अच्छा लगा हमें आपका शो, हमेशा की तरह आपकी आवाज़, आपकी नौकरी पक्की है जी। थैंक यू तहसीन, कितनी अच्छी हो बट साहिबा तुम। फाइका खान, वेरी नाइस पोएट्री, क्योंकि आपकी आवाज़ में तो कमाल है। रियली, सच कह रही हो लड़की, अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो कि वाकई तुम लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। हाय, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या,
सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? दिल कहता है शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो। दिल कहता है शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो। इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा है और इसे अब काम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? हाँ, तेरा नाम है क्या? ना बताना मुझे कमेंट करके जल्दी से, बस एफएम पे आना। Oh my God! You're listening to Gupshup Time with Gupshup Time. Nee, sorry. Midnight Buzz with RJ QK. Only on Buzz FM. 97 Islamabad. 97 Islamabad. 99 Karachi. 99.4 लाहौर। सलीम नूर का कमेंट आया फ्रॉम डीजी खान, क्योंकि सर आप फाइका का नाम बहुत लेते हैं, ये तो नाइंसाफी है। अच्छा सलीम, अब तेरा भी नाम मैं बार बार लूंगा, सलीम नूर, सलीम नूर, सलीम नूर। कमेंट्स कर मेरी पोस्ट पर, एंगेज रख, मुख्तलिफ बातें शेयर कर। फाइका के कमेंट्स कितने ज्यादा आए हैं, इसलिए उसका नाम अनाउंस करना पड़ता है। जो ज्यादा कमेंट्स करेगा उसका नाम मैं ज्यादा अनाउंस करूंगा, लेकिन फिर भी तेरा शिकवा दूर करने के लिए, सलीम नूर, सलीम नूर, सलीम नूर, सलीम नूर, कहां है तू, क्यों है तू इतना दूर मेरे भाई? एनीवेज, कमेंट कर जल्दी से, और चाला तू भी मेरी पोस्ट पर, इस पोस्ट को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स को बताओ। बस एफएम को फॉलो करो जल्दी से, और वो लिसनर जो मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मेरा अपना जो जाती तौर पर मेरा एक फेसबुक पेज है, मेरा आर जे क्यू के ऑफिशियल के नाम से, आर जे क्यू के ऑफिशियल, आर जे क्यू के, आर जे क्यू के कैपिटल टाइप करके सर्च करेंगे मेरा पेज मिल जाएगा। उस पेज को आपने फॉलो करना है, मेरे शोज हैं उस पर, लाइव आता हूँ मैं एवरी डे रात 11 से 12, और वहाँ पर गपशप होती है, अपडेट्स देता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा अपने हवाले से भी, तो तुम लोग मुझे उस पे ज्वाइन कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा जो फेसबुक पेज है वो फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो करें और लाइक भी करें और अपना फीडबैक भी दें। मेरे शोज वहां पर लगे हुए हैं, लाइव भी मैं वहां पर आता हूं, तो बहुत सारी जो है ना गपशप होगी तुम लोगों से वहां पे। सो आज क्योंकि के पोस्ट को क्या वॉइस है आपकी, थैंक यू अनस्टीमा, बेस्ट क्यूके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फीडबैक। अरिबा, राबिया एंड शमाइला, थैंक यू सो वेरी मच। फाइका हंस रही है, अरिबा, राबिया और शमाइला कहती हैं क्योंकि वी लव योर वॉइस। अच्छा लिखा हुआ है क्योंकि आई लव यू, आगे लिखा हुआ वॉइस, ओए मरवाओगी क्या? मनाल खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई एम परफेक्टली फाइन मनाल, हाउ आर यू? तुम सुनाओ कैसी हो, क्या हो रहा है जिंदगी में, कैसी चल रही है लाइफ? मासूमा भाई की पिक नहीं मेरे, ओ सॉरी 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 मासूमा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, आई एम रियली सॉरी विद अपोलॉजी। ओके ओके, कहती भाई की पिक नहीं है, मेरे हस्बैंड की डीपी है। ओके ओके ओके, एनीवेज मासूमा, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, आप और आपके हस्बैंड एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजारें, मेरी दुआएं आप दोनों के साथ है। हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड लाइफ। मासूमा आज कहां से आ गई मेरे शो में आप, हाँ वेलकम करता हूं आपको भी, आपके हस्बैंड को भी, एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी। आप लोग बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजारो, हाँ आमीन आमीन। मासूमा काजमी, वेलकम टू माई शो। अली हसन, नहीं नहीं कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि बेपना मोहब्बत है आपके शो से। ओह थैंक यू सो वेरी मच अली हसन फॉर योर फीडबैक। मोहब्बत है तो आपका शो सुनते हैं ना। ओह महासाबरी, थैंक यू सो वेरी मच। अगला कमेंट आपका भी हो सकता है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, अनस्टीमा भी छा गया भाई स्पेन से आते हैं,
Kyuki, you're so sweet. Thank you so very much. Sabaz, Dani, Ariba, and Rabia. Thanks a lot. As in, but awesome. Awesome. Thank you. Bahut shukriya, Masuma Kazmi, aapka bhi mera show sunne ke liye. Jo new listeners hain, jo comment karke mere show mein shamil hona chahte hain, to wo bhi jaldi se apni Facebook page pe jayein, search karenge Buzz FM ko, aapko hamara page mil jayega. Buzz FM ka, wahan par pehli post hai, Gupshup Time with RJ QK ki Midnight Buzz wali post hai. Us post par aao, comment karo aur mujhe apna feedback do, aur aapka foreign comment bhi shamil ho jayega. Like bhi karo, jinhone abhi tak meri is post ko like nahi kiya, लाइक भी करें, आप शेयर भी करें एंड मेरे शो का हिस्सा बनता है. इट्स ऑल अबाउट गपशप. इकरा खान, चांद होता है, सितारे होते हैं, संग हम तुम्हारे होते हैं, बाग गुलाब के होते हैं तुम. ओके रियली इकरा, क्या कह रही हो लड़की. थैंक यू मासूमा काजमी. थैंक यू माय ब्रदर. अल्लाह आपको ज्यादा कामयाबियां दे. आमीन. थैंक यू सो वेरी मच मासूमा. ऑलवेज स्टे हैप्पी. आमीन सुमा आमीन. हरीम फातिमा सर, आज के टॉपिक के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे, वो मैं प्रोग्राम के एंड पे बताऊंगा तुम लोगों को. सलीम नूर का कमेंट आया. डीजे खान तो क्या मनाना चाहिए कि उनको अगर कोई नाराज हो जाए तो क्या उनको मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभार आपकी कुछ नाराजगी आपके बहुत अपनों से, बहुत प्यारों से भी इस तरह हो जाती है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, हजार बार भी आप उनको मनाते हैं, लेकिन समटाइम जो जिसको मनाया जा रहा होता है या जो अगर उसकी गलती इस लेवल पे है तो उसको बार बार मनाना चाहिए, लेकिन समटाइम कुछ स्पेस भी देनी चाहिए. समझ आ रही है? तुम्हें समझ नहीं आई इसलिए तू मना अभी. ओके सलीम नूर का कमेंट है, बस कर पगले, रुलाएगा क्या. थैंक्स अ लॉट सलीम नूर. खुश रह, मैं तुझे रुलाना नहीं चाहता, मैं तुझे हंसाना चाहता हूं. हंसाना चाहता हूं इतना ज्यादा कि तेरे दांत नजर आ जाए और मुझे पता चल जाए कि तूने दांत साफ किए कि नहीं. सलीम नूर, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी राइट नाउ फ्रॉम डीजी खान. और आप मुझे कॉल करो 04237749428 इतना शुक होकर क्यों बोलता तू यार? डिसेंट तरीके से भी तो बोल सकता ना. 04235774942 इज द नंबर टू डायल. क्या तू हर वक्त ये करता रहता? चले सही है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ओ सॉरी, हेलो. Oh my God, attend gini. Hello, assalamu alaikum. Hello. Aapki call mil chuki hai, janab. Hello. Line ka problem. Nahi hai. Hello, assalamu alaikum. Thank you for your call. Next call aapki bhi ho sakti hai. So what are you waiting for? Time bahut kat raha hai. Kya ho gaya? Chair thode uncha karna tha chair ko. नीचे चलेगी. 04235774942 इज द नंबर. कैसा लगा तुम लोगों को मेरा शो? इस्लामाबाद वालों, ओए कराची वालों, ओए लाहौर वालों, कमेंट करो. अब मैं क्या करूं, कॉल्स पे कॉल्स हैं लेकिन लाइन डर्राप हो जाती है. हेलो 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 भाईजान, कौन है मेरे साथ? अफताब सिंह जाफरी फ्रॉम लाहौर. जाफरी साहब, पूरा नाम बताइएगा. अफताब हुसैन जाफरी फ्रॉम लाहौर. अफताब हुसैन जाफरी. अफताब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त. आफ्ताब भाई माशाल्लाह, मेरी दुआएं आपके साथ. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह का करम हमेशा हम लोग के साथ रहे. यार लाहौर के किस एरिया से कॉल कर रहे हैं मुझे? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. अब हमारी टेलीफोन लाइन थोड़ी सी इशू कर रही है क्योंकि आवाज थोड़ी सी आपकी ना क्लियर नहीं आ रही मुझे, पर फिर भी मुझे मैं गुजारा करता हूँ क्योंकि कॉल आपकी. लाहौर के किस एरिया से कॉल कर रहे हैं भाई आप? गुलबर्ग. कहाँ से? गुलबर्ग टू से. वाह, गुलबर्ग टू के तमाम लिसनर्स को क्यूके का सलाम. अच्छा, आपके गुलबर्ग टू के एरिया के नजदीक नजदीक कौन कौन सी मार्केट्स हैं अभी, मसलन बता दे मुझे. नजदीक नजदीक हाँ,
बहुत बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर थी। अल्लाह ताला वो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब भाई हैं, जितने भी जिनको नुकसान का सामना करना पड़ा, अल्लाह ताला उनके इस नुकसान को जल्दी जल्दी जो है वो हुकूमत को भी चाहिए और अल्लाह के करम और फजल से उनके तमाम मामला जिंदगी के बेहतर हों, हमारी दुआएं लोगों के साथ हैं। अच्छा ये बताए क्या हो क्या रहा है जिंदगी में आजकल? क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब हो रही है। हाय हाय, पढ़ लिख के मुंडा जॉब लग गया है जी? माशाल्लाह अच्छी खासी कमाई, तुम्हारी शादी जल्दी हो जानी है देख लेना। मैंने क्या, मेरा देखो तुमने मुझे बताया, कोई नहीं ना बताया, मैंने सही गेस किया ना? इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि बनना आसान काम नहीं है वैसे, है ना? हाय 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 हाय, चलें जी, मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू। आपकी नेक्स्ट मंथ शादी है, अल्लाह ताला आपको एक खूबसूरत जिंदगी जो है उसका आगाज हो। और कहते ना कि क्या करो करो करो, हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है। मेरे हिसाब से अपने लिए और अपनों के लिए जीना चाहिए। वाह, अपने लिए और अपनों के लिए, वेरी नाइस। क्योंकि आपके अपने ही आपके बिहाफ पे होते हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बहुत सी उम्मीदें होती है, बड़ी बात है। कहता है कि मैं अपने लिए जीता, अपनों के लिए और किसी के लिए नहीं। नहीं, मैंने आज जब मैंने ये टॉपिक रखा था तो मैंने स्टार्टिंग में ना ये कह दिया था कि इसमें आपके पेरेंट्स, आपके बीवी बच्चे, फैमिली, आपके बहन भाई, इन ये नहीं लोग शामिल, दुनिया, दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ, दुनिया जीने नहीं देती यार, क्या करें। दुनिया में भी बहुत से लोग होते हैं। अभी सिंपल है, अगर कोई इंसान आपके पास आया कोई काम लेके कि ये मेरा काम कर दे, और आप कहते हैं कि आप उसे एक ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो मायूस होकर किसी और को काम करने के लायक ही नहीं रहता। वेरी नाइस, ये बात दुरुस्त है। यानी कि जो लोग जेन्युइन, जो लोग जिनके आप काम आ सकते हैं नेक नीति से, और कहते हैं कि एक और मैं बात बता दूं, होता क्या बाज़ुकात हम हर किसी को खुश रखने के चक्रों में होते हैं और एट अ टाइम हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता। इसलिए अपने तौर पर अच्छाई जो है वो आप करते रहो, इस फिक्र में ना पड़ो कि कौन आपसे खुश है या कौन ना खुश है कि नहीं। तो इसलिए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आपके पास कोई काम लेके आता है तो आप उसके लिए अंधेरे में रोशनी की एक किरण हो। वेरी नाइस, बहुत प्यारी बात की यार आफ्ताब। क्या कहते हैं उसको, माशाल्लाह अभी आप, मैंने दो तीन दिन हुए मुझे, दो तीन दफा मैंने आपका शो सुना है, तो उसके बाद काफी अच्छे बाद आपका शो सुन रहा हूँ और आज ऐसे ही बहुत ऑफ था, बहुत मूड ऑफ था, लेकिन जय बाबा को रेडियो ऑन किया और आपका शो आया तो एक ना आपकी बात और चिलबिली और शराबी और बात सुन के ना होता तो एक अजीब सी ऐसी आती है, लगता है कि कोई टेंशन है ही नहीं रहा। थैंक यू यार, थैंक यू आफ्ताब, मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार। तुम लोग अगर, जैसे तुमने कहा कि तुम्हारा मूड ऑफ था, तुमने रेडियो ऑन किया तो मूड भी अच्छा हो गया मेरी बातें सुन के, मेरा हंसी मजाक सुन के, और हंसी मजाक में खेल खेल में हम कुछ ना कुछ सीख भी जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आफ्ताब, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, कीप लिसनिंग टू माय शो, थैंक्स अ लॉट। आफ्ताब से हमारे साथ लाहौर से, थैंक यू। अगले महीने शादी है लड़के की, भाई अच्छा खासा कमाता है। ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे बज़ एफएम के पेज पर आज, क्योंकि की पोस्ट पर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से कौन जी? मिसबा। वो कौन थी, तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था। कैसी है मिसबा? आज से ना 25 साल 50 साल पहले मेरी क्लास वाली हुआ करती थी मिसबा, तब तो शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रही हूँ। अभी तो वही कह रहा हूँ, तब तो आप पैदा भी नहीं हुई होंगी। मिसबा कैसी हो, क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ रही हो आजकल, मसलन प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या FA? ICS। ओहो, क्या बात है। अच्छा तो कब से सुनना शुरू किया तुमने ये वाला शो? आज से। वाह, पहली बार सुना और तुम मेरे शो में आ गई, वाह। कैसा लग रहा है शो तुम्हें? बहुत
अच्छा। बाय द वे लाहौर की किस एरिया से कॉल कर रही हो? मैं सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो लाहौर कैंट से। ओके अच्छा, घर में सबसे छोटी हो? किसके करीब? ओके ओके अच्छा जब तो घर में सबसे बड़ी हो, छोटी हो, बहन भाइयों में या इकलौती हो? हो देख लो, गैस कर लिया ना मैंने, पहली बार बात हो रही है, ऐसा ही है ना? इससे पहले आफ्ताब की एक महीने बाद शादी, वो भी मैंने गैस कर लिया। तुम इकलौती हो तो मैंने ये भी गैस कर लिया। बस देख लो जिंदगी में तुम्हारा तुक्का लगा। मैं इंस्टा पे नहीं हूं, मैं फेसबुक पर हूं, RJQK ऑफिशियल। RJQK नहीं, क्यों? फेसबुक नहीं यूज करती हो तुम? नहीं। इंस्टा मुझे पता नहीं है इंस्टा यूज कैसे करते हैं, पुराना आदमी हूं मैं। शुक्र करो बड़े अरसे बाद मैं फेसबुक पे आया हूं। बहरहाल कोई बात नहीं, खैर है। इंस्टा पे मुझे, मैं आपको पता है कि मैंने, मुझे कितने साल हो गए, 25 से 30 साल हो गए रेडियो करते हुए। लाइन ड्रॉप होगी लड़की, तो मैं फिर भी बता देता हूँ 25 से 30 साल हो गए मुझे रेडियो करते हुए। मैंने अभी रिसेंटली अपना पेज बनाया है, अभी अभी के अभी। अच्छा तो आप भी मुझे ज्वाइन करो फेसबुक पेज पर, RJQK इनका फेसबुक पेज है, सर्च करोगे तो उस पेज पर आओ, उसको फॉलो करो, लाइक करो और मुझे से फिर डायरेक्टली रब्ते में आ जाओ। अपना फीडबैक भी दे सकते हो तुम लोग मुझे वहां पर, और बस FM पर भी आओ। हेलो हेलो, ओए खांसी, ओ माय गॉड, छींके, उफ उफ अल्लाह। क्या हो गया भाई? ओए ये कौन है जो फायरिंग किए जा रहा है? हेलो यार, ये इसी बातों में तुम्हारी कॉलर ड्रॉप हो जाएगी। हेलो ओके, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं 04235 7749 42 इज द नंबर टू डायल। बस FM पर कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेरा शो। हेलो हेलो, अच्छी ये बड़ी आवाज, ये पुरानी PTCL की पुरानी, जब बारिश होती थी ना तो ये ऐसी आवाज आती थी फोन से, ये तो ओह माय गॉड। बस FM की पोस्ट पर आओ जल्दी से, RJQK की पोस्ट पर कमेंट करो मुझे, वहां पर फीडबैक दो अपना। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहां से? यूसुफ भाई, हुक्म जनाब, कॉल दूसरे लोगों की ड्रॉप्स हो रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं, तो आप बताएं जल्दी से, कोई पैगाम अच्छा सा दे दें। अच्छा बाजी और चाचा को भी शामिल करो, चलो मैं करता हूँ उनको आज, एक्चुअली वो ना मुझे, मैं कोशिश करता हूँ उनको लाने की, ठीक है? चलो मैं चाचा खैरू को लेके आता हूँ। ओके 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 ओके, बाजी का नाम बता दें। बाजी बता बता, सलाम अलैकुम, मुझे चाचा खैरू दी तरफ इस्लामाबाद आले हो, लाहौर आले हो, ते कराची आले हो। हाय हाय हाय, मैं साल 1965 च कराची गया सी, ओए होए होए होए, ओथे फिर मैं ना किथे किथे गया। चाची किसी ने पूछा आपसे? अच्छा मैं क्यों तेनु दसा, मैं गया सा भाई कराची। अच्छी बात है जाए। अच्छा मैं मरी भी होके आया सा 1970 च। माय गॉड चाचा जी। हेलो, लाडू का सलाम, खासकर यूसुफ भाई को। भाई कह दिया उसको तुमने? तो क्या कहूँ। ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कौन कौन कौन? कासिम, कैसे हो? कासिम अल्लाह का शुक्र, मुझे लग रहा है छुप के कॉल कर रहे हो तुम कहीं से, है ना? क्यों छुप के क्यों कॉल कर रहे हो, क्या वजह है? क्या बात है, अम्मी अबू देख लेंगे? तो छुप के लड़कियों को भी कॉल करते हो ऐसे? नहीं 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 नहीं, कभी तुमने किसी लड़की को कॉल नहीं किया? मैंने भी कोशिश की। ओह माय गॉड, करने की कोशिश की पर आगे से जनाब जवाब आ गया है जी। ओह माय गॉड, ऐसे बोलेगा तो तुझे फिर जवाब भी आएगा ना। एनीवेज, आई एम जस्ट किडिंग यार, ऐसी बात नहीं, किसी को तंग नहीं करते और कभी फोन नहीं करना चाहिए किसी को। ओके अच्छा खबरदार जो तुमने किसी को फोन किया। अच्छा क्या कर रहे हो जिंदगी में आजकल, क्या हो रहा? मैं मेरा इंटर हुआ। अच्छा अभी इंटर किया तुमने? जी। उसके बाद क्या इरादे हैं? उसके बाद जॉब वगैरह देखेंगे। इंटर के बाद ही घर वाले कह देंगे? ओह माय गॉड। ओ यार नाम क्या बताया तुमने? कासिम।
कासिम यार इंटर के बाद घर वाले क्या कहेंगे तुम्हें? इंटर के बाद मसलन शादी भी तेरी नहीं हो सकती, भी तू छोटा बहुत। अब ये ना कह दी कि इतना भी छोटा नहीं हूं। ओके कासिम, कासिम बात सुन, एक बात पूछू तेरे से। कैसे हो? वेरी नाइस कासिम। वेयर फ्रॉम? लाहौर। लाहौर से कॉल कर रहे हो ना? किस इलाके से कर रहे हो कॉल? गुलशन रावी के तमाम लिसनर्स को क्यूके का सलाम। कैसा लग रहा है शो लड़के? ये तो बहुत ही अमेजिंग यार, है ना जी? मैं तो आपका रोज, आपको वैसे मतलब कब है शो? मेरा शो मंडे से थर्सडे लगता है, अगर आ जाऊं तो जी रात 12 से 3 लगता है। तुमने कब सुनना शुरू किया मुझे? मुझे 2 वीक है। दो वीक? हाँ दो वीक, एक वीक जो दूसरा वीक है मेरा, पिछले वीक मैंने शुरू किया था शो। बिल्कुल सही है। बहरहाल यार तेरे घर में तोते भी बोल रहे हैं? तोते हैं चिड़िया है क्या? तोते। देख लो तो मुझे क्या, देख ले यार मेरा आज हर गैस मेरा सही लग रहा है। आप मेरे क्या बताऊं यार, आप क्या हो गया आप समझ नहीं आ रही क्या बात किस है? क्या कहना चाह रहा तू मुझे? आप मेरे क्या? आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। मेरे भाई तेरी एज बहुत छोटी है, तो मेरे भतीजे भतीजियों की उम्र का होगा, है ना? मेरी छोटी 15 का है। 15 साल का ना, तो मैं 55 का हूँ। अच्छा। तेरे से 40 साल बड़ा हूँ। तो बच्चों की जगह भी हो सकता तू। खुश रह, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं यार। नाइस टॉकिंग टू यू, खुश रहो और गपशप टाइम क्यूके के साथ सुनते रहो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा आप गाना लगाएंगे? बता दे यार, मैंने 2 गाने लगा दी, तेरा भी लगा दूंगा, बोल। पाकिस्तानी मूवी का ये अच्छा था, एक गाना लगा दे। पाकिस्तानी कौन? किसी भी मूवी का? किसी भी मूवी का अच्छा सा। पाकिस्तानी मूवी का अच्छा सा गाना, नए नए या पुराने? ये बता दे, नए या पुराने? नए। हाँ नए गाने। नए गाने जी। चल ठीक है, पाकिस्तानी मूवीज ठीक हो गया। अच्छा वो वाला गाना लगा दे, रोए रोए नैना मेरे। क्यों यार अभी से 15 साल में रो रहा तू? नहीं, रोए रोए नैना मेरे। गुनगुना थोड़ा सा। रोए रे नैना मेरे, रोए रे नैना मेरे। अच्छा मिल नहीं रहा यार मुझे गुना। रोए 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 नैना मैं। फिल्म दस दे, फिल्म केड़ी सी पाए जान? ये अच्छा तो मुझे क्यों है? फिर मैं मूवीज के फोल्डर में जाके ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो कमाल हो गया यार, बग्गा साहब का गाना, ये तो कौन नहीं जानता होगा उनके गाने को यार। क्या हो गया यार, तो क्या कर रहा है तू यार? ओके रोए रोए नैना मेरे। बहुत शुक्रिया, ऑलवेज स्टे हैप्पी। मजा आ रहा है ना शो के? नहीं आ रहा? देख ले बिजली का बिल भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी शो आ रहा है ना? अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। मेरा पेज फॉलो करी आज जी क्यूके वाला, ठीक है? फॉलो भी करी, 200 से भी कराई। ओके बाय बाय। ले जी इस लड़के ने कहा है गाना सुना दे थोड़ा सा, तो मैं सुना देता हूँ। साहिर अली बग्गा साहब माशाल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा गाना सुनते हैं, पूरा नहीं सुना पाऊंगा लेकिन सुने। अब मीनवाइल मुझे कमेंट करें। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, सॉन्ग और म्यूजिक मिक्स हो गया है। ये यू आर लिसनिंग टू Midnight Buzz with RJ QK, every Monday to Thursday होता हूँ तुम लोगों के साथ। और मुझे Buzz FM पे join करो, comment करो, इस्लामाबाद कराची लाहौर पूरी दुनिया से जो जो जहाँ जहाँ मुझे सुन रहा है मुझे comment करके मेरे show का हिस्सा बन सकते हो। आपके comments भी शामिल होंगे और आपकी live calls भी होंगी। सुनते रहिए Buzz FM with RJ QK, एकदम live। वो कहते हैं कि सॉन्ग में कहा कि बेवफा होना भी जरूरी था। एनीवेज लेकिन हम बेवफा हरगिज ना थे, पर तुम वफा कर ना सके। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मानूर फ्रॉम कराची। मानूर फ्रॉम कराची, हाय कराची की लड़कियों, कैसी हो? कहाँ चले गए थे?
नहीं क्या 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 कह रही हूँ क्या, क्या एकदम से रेडियो लगाया तो क्या हुआ तुम्हें? मैं एकदम उछल पड़ी आपकी आवाज़ से। क्यों इतना मत उछला करो लड़की। मतलब आप कहाँ से ले गए थे इतना? एफएम सुनना मैंने छोड़ दिया, मेरी बहन की शादी भी हो गई बीच में, वो भी आपको सुनती थी। ओ माय गॉड, इसी गम में मेरे शो के गम में शादी करा ली तुम्हारी बहन ने? थैंक यू सो वेरी मच। तुम लोगों ने अच्छा इसका मतलब है तुम लोगों ने मिस किया मुझे, मैं जितना आसान नहीं आया है ना? क्या बात है महनूर, क्या तुम तो बहन की शादी बहुत मुबारक हो तुम्हें लड़की। मुबारक। तो क्या हो रहा है आजकल? आप मुझे भूल गए हैं सर, मैं तो आपको कॉल करती थी महनूर पठानी। ओ पठानी, यस मुझे याद आ गया। ओ हो कैसी हो, कैसी हो लड़की? पश्तो में बोलो ना तुम। आज आज हमने गोश्त बनाया, सबने खाया, बड़ा मजा आया। देख लो देख यार, आज मेरी सारी बातें सही हो रही हैं। पता नहीं मेरा आखिरी शो तो नहीं है कहीं, अल्लाह माफी दे। हाँ बोलो। खोड़ा कौन था बीच में? खोड़ा खाने के चलते। Oh my God, so sweet. अच्छा मेरे जितने भी पश्तो लिसनर्स है ना, अभी एक दो कॉलर्स आए थे, एक पठान भाई आए थे, मैं बीबी शिरीनी लगाया था। बीबी शिरीनी कौन है यार ये बताओ मुझे मनूर, बीबी शिरीनी का मतलब क्या बनता है कोई? क्या मुझे अगर बताने वाला है तो बता दो। बीबी शिरीनी मतलब वो नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसको प्यार से आप बोल देते हैं, यानी बीबी शिरीनी। हाँ लड़की को अच्छा कुछ ज्यादा प्यारी हो या कुछ जो जो लड़की ज्यादा प्यारी है उसको बीबी शिरीनी बोल दे हैं, तो वो आगे से चुपक। क्या 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 बीबी शिरीनी? वाह वाह वाह। एनीवेज महनूर मेरा आप शो हुआ करेगा, याद रखना। और आपने तमाम जितने भी लिसनर्स मेरे पुराने लिसनर्स उनको बता दो मंडे से थर्सडे तक रात 12 से 3, ठीक है? और मेरा अपना फेसबुक पेज है आरजी क्यूके, उस पेज को भी लाइक कर लें आप लोग, वहां पर मैं 11 से 12 लाइव आता हूँ, ठीक है? तो तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी कब हो रही है? बहन की तो शादी होगी। बाय द वे एज पूछनी चाहिए लड़कियों से तो तुम बता दो वैसे खुद ही। 18 साल। हाँ अभी बाकी बहुत कम एज है तुम्हारी, तो अभी खाओ पियो, पढ़ाई करो, अपनी अम्मी जान का अबू जान का ख्याल रखो और एक अच्छी बच्ची बन के जिंदगी गुजारो। और गोश्त तुमने क्यों नहीं खाया आज? तुमने खुद बताया तुमने नहीं खाया, क्यों? मुझे गोश्त पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ चिकन पसंद है। लेकिन पठान तो ज्यादा शौक से गोश्त खाते हैं वैसे मेरे ख्याल में। पठान खाते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं। तुम कौन है तुमको तुम ये कौन है? पठान खाते हैं, पठानियां नहीं खाती। पठानी नहीं खाती होए? कुछ पठानी होती भी है, खाती है। अच्छा खाती है, तुम बड़ा स्वीट बोलती है, तू बड़ा स्वीट बोलती है लड़की। हाँ मेरी मुझे याद आ गया, तुम्हारे मैं अक्सर बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आपको। बहुत शुक्रिया महनूर, मुझे याद आ गया, मैं काफी तर्जमे कराता था तुमसे इसी तरह जैसे आज ये मैंने बोला है ना, ये मुझे याद आया। मैंने शो में अक्सर जो मेरे लिसनर्स आते हैं तो उनसे बड़ा मजा आता है बात करके। बहरहाल कराची से तुमने मुझे कॉल किया है ना, बहुत शुक्रिया। कराची के तमाम लिसनर्स को महनूर समेत बहुत बहुत सलाम आरजे क्यूके का। और अच्छा क्या इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम, इतनी खुशियाँ क्यों होगी तुम्हें? हाँ इतने सालों बाद मैंने आपकी आवाज सुनी, मैंने पहले तो रिकॉर्ड किया था आपका आवाज, उस समय से भी मैं थक गई, मैंने कहा कब आएगा ये बंदा आ गया देख लो यार। इट मींस के यार तुम लोग वाकई मेरी आवाज को इतना मिस करते थे यार। हाँ वाकई, और मैं तो कुछ ज्यादा ही आपके लिए पागल थी, आपको तो पता था पहले। खुश हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और आज के टॉपिक के पे क्या आप बोलोगी कि दुनिया की परवाह करनी चाहिए या अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्या कहोगी? दुनिया की परवाह मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं करती भी नहीं। करती नहीं, जिंदगी जियो मौज करो, छोड़ो। हाय 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 हाय, अपनी जिंदगी जियो मौज करो। चलो जबरदस्त महनूर, बहुत शुक्रिया तुमने मुझे कराची से कॉल किया और आज अचानक तुमने मुझे सुन लिया। और अब हर सोमवार से जुमेरात तक रात 12 से 3, ठीक है? ओके पश्तो में बोलो, मैं बिल्कुल सुनूंगी। आप शो करना, मैं सुनूंगी। तो शो करो, बिल्कुल
तो बिल्कुल औरम, औरम का मतलब क्या? औरम, वाह क्या बात है। ओके थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो लड़की, थैंक्स अ लॉट, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। महानूर थी हमारे साथ, मेरी बड़ी पुरानी कॉलर, और आज उन्होंने ढूंढ लिया मुझे। ओह माय गॉड, इतना मिस करते थे तुम लोग यार मुझे। थैंक यू सो वेरी मच महानूर, और मेरे नए पुराने सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो न्यू लिसनर्स हैं वो भी थोड़ा सा बता देना तुम लोगों को कैसा लग रहा है मेरा शो। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल चुकी है, जागिए। लाइन इज हाँ, जो लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे रابطے में रहना चाहते हैं कि कभी कभी खुदा ना खासा शो करूं ना करूं, तो आप लोग आर जे क्यू के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है मेरा, उसको आप शेयर करें, लाइक करें और आप फॉलो करें, सॉरी फॉलो करें, तो आप मेरे साथ रابطے में रहेंगे। और अभी मुझे बज़ एफएम पर आप मुझे मनाल खान ने मुझे ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच मनाल, के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, वो कह रही है आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। और मनाल, मैंने आपका सारे कमेंट्स अभी मैं शामिल करूंगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर जो कमेंट सामने आया तो वो मैं जरूर, मैं नाराज हूं आपसे, कमेंट ही नहीं पढ़े, नहीं नाराज नहीं होना मनाल, बहुत शुक्रिया। मनाल ने कहा जी मिसिंग यू सो वेरी मच। हाँ ओके ओके, थैंक यू मनाल, यहां आए, वरना मैं कमेंट्स नहीं करूंगी। ओके आपके कमेंट शामिल कर रहा हूं मनाल, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। महासाबरी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। फाइका खान, अनस चीमा, सलीम, मनाल खान, आई एम डूइंग जस्ट, मैं शामिल कर रहा हूं। ये क्या हो गया है, ये क्या है, नहीं ये क्या हो रहा है, बस एफएम ही है। सो 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 ओके, नम 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 नम, एक मिनट, अगला कमेंट आपका भी हो सकता है, जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिए आज क्योंकि की पोस्ट पर आ जाए बज़ एफएम पर। और अली हसन कहते हैं बचपन में भी आवाज बचपन वाली, क्या राज है, खुराके अच्छी खुराके खाई हुई हमने। ओके ओ माय गॉड, और कौन है जी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप फेसबुक पेज पर, मनाल खान, आयशा गुल, आयशा गुल फ्रॉम लाहौर, हाय आयशा गुल कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं। और अगला कमेंट है जी मिसिंग यू सो वेरी मच मनाल खान, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट करने के लिए। मुख्तसर कहूं तो सुनो, बहुत मुख्तसर हूं, ओए होए 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 तुम्हारे बगैर, ओए होए, थैंक यू मनाल, सो स्वीट ऑफ यू। नम 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 नम, ओके हाय, ओए भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, ओके। इकरा खान कहती है हाय ब्रो हाउ आर यू, आई एम फाइन इकरा, हाउ आर यू, कैसे हो। अभी कमेंट्स मैंने शामिल कर दी मनाल, अब खुश हो तुम के नहीं, और कौन कौन है जी जिनके कमेंट्स मैंने शामिल करने हैं, अगर सलीम तूने मुकाबला करना है ना फाइका का, तो कमेंट्स तेरे आने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। राजा जी साहब कह रहे हैं, राजा जी यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच राजा साहब मुझे सुनने के लिए, आपने आप आए नहीं शो पर एफएम का, हमें मजा नहीं आया, मत जाना प्लीज हमें छोड़कर। राजा जी अब नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आई एम डूइंग माय शोज ऑन रेगुलर बेसिस, आपकी वॉइस बहुत ऑसम है और पोएट्री तो और भी बहुत आला लगती है आपकी आवाज में, थैंक यू। सलीम नूर, सलीम नूर जल्दी से कमेंट कर, क्यों है तू इतना दूर भाई। ओके हरीम फातिमा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, और अगला कमेंट आप भी मुझे कर सकते हैं, मेरे शो में शामिल हो सकते हैं। लारेब हारून, बहुत शुक्रिया आप मुझे इस्लामाबाद से सुन रही हो। जारा नूर, आपका भी शुक्रिया इस्लामाबाद से आप मुझे सुन रही हैं। कराची और इस्लामाबाद और लाहौर के तमाम लिसनर्स जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको भी वेलकम करूंगा, जल्दी से आ जाइए बज़ एफएम को सर्च कीजिए, बज़ एफएम की पोस्ट पर आएंगे, वहां पर बज़ एफएम पर आएंगे तो वहां पर आरजे क्यूके की पोस्ट है, उस पोस्ट पर कमेंट करोगे तो मेरे शो में शामिल हो जाओगे, बहुत आसान है मेरे शो में शामिल होना। और लाइव कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं, 0423577942 इज अ नंबर। बिनते हवा आ गए आप, बाय द वे वेलकम, कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी है, पी के आए हैं आप, एनर्जी लेवल इज बिनते हवा, वेयर यू फ्रॉम, कहां से हो, ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी। मनाल खान की आज 4 बजे तक शो करें आप, नो ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं रोज शो करूं तो
तो तुम लोग मुझे 2 बजे छुट्टी दे दिया करो, क्योंकि आप सिर्फ कमेंट्स पढ़ें, कॉल्स नहीं लें। नहीं, ये कैसे हो सकता है मनाल? कमेंट्स और कॉल्स दोनों साथ साथ चलेंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल मिल चुकी है, बोलिए। बोलिए। हेलो, हाय। खामोश तुम, खामोश हम। एनीवेज, वो एक बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है जुनैद जमशेद साहब का, था गाना था, नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटेंगी ये दूरियां, तुम बेखबर हम मुंतजर, दोनों की है मजबूरियां। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहां से? हमजा चौधरी जी? नहीं, हमजा राजपूत। राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। राजपूत साहब ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ओके, जिंदगी कैसी गुजरी राज साहब? जी अच्छी गुजरी, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्लाह का करम सर। क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या कर रहे हैं आजकल आप? जॉब खत्म हुई है तो अभी क्या करना है, घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ? अभी ड्राइव कर रहे हैं आप या बाइक पे हैं? हाँ जी। गाड़ी जी, जी। को धीरे से चलाना बाबू। बाइक पे हैं या गाड़ी में? बाइक सर। बाइक पे है, वाह वाह वाह। मैं गाना गाऊंगा ये गाना, आ रात भर जाए ना घर, बाइक पे घूमते रहे दोनों, है ना जी? हाँ। राजा साहब कब से सुनना शुरू किया आपने मुझे? दूसरा हफ्ता। दूसरा हफ्ता है, चलें राजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जिंदगी में क्या कहते हैं कि अपने लिए कभी जिंदगी जी है जहाँ दूसरों के लिए जीते हो, क्या करते हो? दुनिया की सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? जिंदगी सर, क्योंकि सर वैसे तो अपने लिए जीनी चाहिए, हाँ, लेकिन जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ा बहुत जीना पड़ता है। हाँ, अपनों की वो तो मेरी अम्मी कहती थी, अच्छों के साथ अच्छे रहो, वेरी गुड, बुरों के लिए कभी बुरे मत बनना। इंसान पानी से खून साफ कर सकता है, तुम खून नहीं। क्या बात, बड़ी बात की आपकी वालदा ने, और आपने भी बहुत अच्छी बात की कि आपने ये बात शेयर की मेरे शो में। वेरी नाइस, जबरदस्त। यानी कि जो आपके साथ अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे, और आप फिर आप खुद किनारा कशी कर लें, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, यही कर सकते हैं। नुकसान पहुंचाने की बजाय दूरी इख्तियार कर लेना बेहतर है, है कि नहीं? मैं कोई झूठ बोलिया? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, बड़ा बड़ा झूठा भी है मैं कभी कभी। ओके, मत बोलिएगा वरना भाभी जी को पता चले। हाय हाय हाय, उसको सब पता है। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको तरक्की दे राजा साहब। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नाइस कॉलर फ्रॉम लाहौर, राजा जी आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओए, कमेंट करो जल्दी से, जो न्यू लिसनर्स हैं, जो सुन रहे हैं, हंस भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। फेसबुक, उस पे जाओ, सर्च में बज एफएम टाइप करो, बज एफएम का पेज खुलेगा, पहली पोस्ट है आरजे क्यूके की, उस पोस्ट पे कमेंट करो, मुझे अपना फीडबैक दो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ओए, और लाइव कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 04235774942 is the number to dial. 04235774942 is the number to dial. Karachi, Lahore, Islamabad. Welcome to Midnight Buzz with RJQK. और जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा आरजे क्यूके का पेज है, उस पेज पर आ जाइए, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, मैं आप लोगों से रब्ते में रहूंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहां से? कराची से निसार अहमद बात कर रहा हूं। जी निसार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज के टॉपिक के बारे में कह दें जल्दी से। जी सर, ठीक है, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह निसार भाई, आपसे पहले बात हुई है मेरी शायद, मेरे ख्याल पहले घंटे में। जी पहले हुई थी, कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, तो फिर बताइए क्या कहोगे? जी टॉपिक के बारे में हमने आपको बता दिया, हमने फरमाइश की थी थोड़ी, आपने फरमाइश हमारी पूरी नहीं की। अल्लाह अकबर, क्या फरमाइश आपने की थी? आपने कहा था आजानी बैजा साइकिल थे, मैंने लगा दिया था आपके लिए। नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं मैंने मेहंदी हसन का कोई गाना बोला था। ना करें निसार भाई, ऐसे ना करें जी। अभी
नहीं 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 ऐसे नहीं करें। आपने मुझे कौन सा मेहंदी हसन साहब का गाना बोला था आपने जी? आपने कौन सा गाना बोला था मेहंदी हसन साहब का? मेहंदी हसन का मैंने गाना बोला था, बताइए कौन सा? रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल के मेहमान। हाँ लेकिन ये आपने ये नहीं बोला था, जो सॉन्ग बोला था मैंने वो आपके लिए प्ले कर दिया। अब ये चले, आपने ये गाना नहीं मुझे कहा था वैसे, ठीक है, बरहाल मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू प्ले, क्योंकि रिक्वेस्ट शो नहीं है तो इसलिए माजरत, अगर ना प्ले करूं तो मेरे प्यारे से भाई ने नाराज नहीं होना। थैंक यू सो वेरी मच। 04235774942 इज द नंबर टू डायल, आई रिपीट 04235774942 इज द नंबर। बिनते हवा क्या कहती है, बिनते हवा कहां से हो तुम, वे आर यू फ्रॉम लड़की, चेहरा है या चांद खिला है, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, आए ये सुना चुका हूं मैं पहले भी। ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, ये कॉल है या डिस्टॉर्शन है? अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल चुकी है, कौन? हेलो 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 हेलो, ये हेलो हेलो क्या है, हेलो सारे नु चाचा खैरू दा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, आज मुंडे ने मनु चाह प्या दिती है, बहुत मिठू मिठू पा के, नहीं मिठू नहीं मिठा पा के, हां जी ते नाल मनु बिस्कुट भी खवाया सु। चाची बिस्कुट नहीं होता, बिस्किट होता है जी, साडा ते बिस्कुट होंदा, हुण ते इश्तिहार च वी कहंदे ने जी बिस्कुट, हां जी, पर तू जे मनु कल चाह ने पी ते तेनू मैं बहुत खवानी है कुट। ओ माय गॉड, चाची ऐसे तो ना करे ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से बड़े चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, हाँ सुनना है कि नहीं सुनना, रहने दो यार, क्या शामिल करूंगा मैं। बस एफएम पर आप सुन रहे हैं एकदम लाइव मिडनाइट बस विद आज, क्योंकि कॉल्स आ रही हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए कॉल शामिल नहीं करूंगा मैं, तो आप 5 मिनट वेट कर लें, 3 मिनट वेट कर लें, ठीक है, नंबर नोट कर लें, उसके बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा 04235774942 इज द नंबर, आई रिपीट 04235774942 इज द नंबर टू डायल। काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े बान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, हाँ और बेताबी से फुरकत के खिजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती तेरे होंठों की हिद्दत से मैं दहक सजाता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता,
तेरी जुल्फों को तेरे गाल को चुमा करता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, मुझको बेताब रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, कुछ नहीं तो यही बिनाम संबंधन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता। अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे, और लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं। अभी कुछ मिनट्स बाकी हैं, आपकी कॉल शामिल करूंगा मैं अपने शो में। 04235774942 इज द नंबर टू डायल, और बज़ एफएम के फेसबुक पेज पर आकर तुम लोग मुझे कमेंट करके मेरे शो का हिस्सा बन सकते हो और मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। प्रोग्राम खत्म होने वाला है लेकिन आई नीड योर फीडबैक। हाँ, नेक्स्ट कॉलर कौन है मेरे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम लाहौर। नाम क्या आपका? अब्दुलरहमान। सर पहले बात हुई मेरी आपसे? नहीं हुई। अब्दुलरहमान जल्दी से टॉपिक के हवाले से बता दे कि क्या कहेंगे, अपने लिए जीना चाहिए या दुनिया की परवाह करनी चाहिए, क्या कहोगे भैया? मेरा मैसेज ये है कि आप दुनिया के लिए अच्छा भी, दुनिया के लिए कोई गरीब है उसकी मदद करें। हाँ, वो बहुत बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे जीने नहीं देते, जो सारी जिंदगी आप जिनके लिए सब कुछ करते हैं और अचानक से पता चलता है कि वैसे तो मैं ज्यादातर यही कहूंगा कि अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको ये शेर सुनाना चाहूँ। जी सुनाइए जल्दी से। जब पुकार ना हो मुझे, मेरा नाम है। मेरे भाई की कॉल ड्रॉप हो गई, नो प्रॉब्लम, आप भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल्स का सिलसिला या फीडबैक इसी तरह रहा तो शायद मैं आधा घंटा और शो कर लूं तुम लोगों के लिए। तो अगर मेरी कराची और इस्लामाबाद की टीम सुन रही है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 3:30 तक अगर आप इसको लिंक रख सकते हैं तो आपका शुक्रिया। डिपेंड करेगा कॉल्स लोगों के फीडबैक पे। 04235774942 इज द नंबर। हेलो, जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आपकी आवाज एकदम से गायब होगी भाई। ओह माय गॉड, 04235774942 इज द नंबर टू डायल। मनाल खान कहती हैं ये जुल्म है, मैं तो शामिल कर रहा हूं मनाल आपके कमेंट्स, क्या हो गया आप सुन नहीं रही हो? मनाल मैंने आपके कमेंट्स सारे शामिल किए हैं, थैंक यू सो वेरी मच मनाल खान, मनाल खान, मनाल खान मुझे सुनने के लिए। बिनते हवा कहती है थे कहाँ आप ये तो बताएं, और गुस्सा हूं मैं आपसे, लाहौर से ही हूं। वो कह क्या कहते हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। एनीवेज बिनते हवा, मैं यहां था, मैं यही हूं और यही रहूंगा। मैं यहां हूं। मनाल खान कहती है क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मेरी अम्मी सुन रही हैं, उनको बोले खाना दे दे मुझे। आंटी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप आंटी तो नहीं हो सकता, वो मेरी एज फेलो हूं, बचपन की तो नहीं होगी आपकी मामा, है ना? तो मैं उनको ये कहूंगा बहन जी खाना दे देना बेटी को अपनी, मनाल खान को खाना दे दें। 04235774942 इज द नंबर। अच्छा मनाल, अब यकीनन आपको खाना मिलेगा क्योंकि वो वाकई छोटी है मेरे से, तो बड़ों की तो बात मानेगी। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं मीरपुर खान से, दिलदार अली। दिलदार साहब कहाँ से? मीरपुर खान सिंध। सिंध के तमाम सुनने वालों को क्यूके का सलाम है जी। क्यूके का सलाम। दिलदार साहब हाँ जी, दिलदार यारा, दिलदारा तू है हमारा प्यारा भाई आज भाई हमारा, आप जो है ना हम लोगों की फरमाइश पूरी करते नहीं हो।
मैं सर वाकई फरमाइशें पूरी नहीं करता, ये बिट हाँ ये रिक्वेस्ट नहीं, मेरी 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 गुजारिश सुन लें, ये रिक्वेस्ट शो नहीं है, ये शो है जिसमें कमेंट्स होते हैं, गपशप होती है, कॉल्स होती हैं ज्यादा, तो रिक्वेस्ट शो के लिए यकीनन मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे शोज कम कर दें, बंद कर दें, तो एक रिक्वेस्ट शो शुरू कर लेते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए रहा नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा, टाइम कम है, वैसे भी जाने वाला हूँ, तो मैं अगर प्ले ना कर सका तो प्लीज नाराज ना होइएगा, आप हमारे पाक फौज के जवान हैं, हमें आप लोगों पे फखर है, हमें प्यार है आप लोगों से, ठीक है, अपना ख्याल रखें, पाक फौज जिंदाबाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तमाम लिस्टनर से रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज नॉट एट ऑल अ रिक्वेस्ट शो, तो इसलिए हर किसी के सॉन्ग की अगर मैं फरमाइशें पूरी करना शुरू कर दूंगा तो फिर ये मिड नाइट बज में जो चिट चैट का एक फ्लेवर है ये खत्म हो जाएगा, सो इसलिए दैट्स इट। मनाल ये बताओ तुम्हें खाना मिला कि नहीं मिला, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। वजीर भट्ट साहब, हाँ बिल्कुल जी, इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है, सो मैं दूसरों का के लिए ही जीती हूँ, जीता हूँ। ओके वजीर खान साहब, जबरदस्त। मरीना खान फ्रॉम जद्दा, आई जस्ट गॉट द टाइम टू ट्यून द रेडियो। ओह नो प्रॉब्लम मरीना, यू कैन लिसन टू इट। आप शायद इस नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग भी नहीं लगती, ये तो गलत बात है, आप हम लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे। मनाल खान क्यों नहीं दे रहा, तुम सुन नहीं रही हो, कान साफ करो अपने मनाल। ओके मनाल, खाना मिला कि नहीं मिला, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि हाउ आर यू, आई एम परफेक्टली फाइन मरीना, हाउ आर यू। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मेरा शेर तो रह गया। हाँ कॉल ड्रॉप हो गया, तेरा शेर बच गया, गिरा तो चल सुना ले जल्दी से सुना। क्या करते हैं यार इश्क, तो जो करते हैं बेचारे वो तो सही करते हैं कुछ, मतलब कि अच्छा शेर होना चाहिए, ऐसा वैसा हुआ तो सारी जिंदगी के लिए मेरे शो में बैन हो जाएगा। तो चल सुना सुना। जब पुकारना है मुझे मेरा नाम बोल जाता, उसे इश्क तो आता पर करना बोल जाता, उसे कह दूं ये मेरे को रहा करना बच्चा तेरे, मुझे धड़कना भूल जाता है, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। वाह क्या बात है, ये तू खुद बड़ा कमाल का यार, थैंक यू फॉर योर कॉल। एक बात पूछूं? कैसे हो? ठीक हूँ। मैं कासिम बात कर रहा हूँ जी, कासिम खुश रहो, कासिम थैंक यू, कासिम बाय बाय, वेलकम। अच्छा आपने करीम आई लव यू कहना, किसको? करीम आई लव यू। यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, थैंक यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। 04235774942 इज द नंबर, मुझे कमेंट्स करके बताओ शुड आई कंटिन्यू और शुड आई लीव द शो। दिल नहीं कर रहा है घर जाने को, आ रात भर जाए ना घर। ओए कॉल करके मुझसे गपशप कर सकते हो तुम लोग, 04235774942 4942 is a number, join कीजिए मुझे जल्दी से, मेरे शो में आ जाइए। I think so I should go यार, जाना चाहिए। पिनते हवा कहती हैं कि कंगन नहीं पहनती मैं, बाकी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू बिनते हवा, थैंक्स अ लॉट। क्या कर रही हो आजकल लड़की जिंदगी में? मैंने भी आपको बहुत मिस किया, वजीर भट्ट कहते हैं, कल और परसों भी आपका इंतजार किया 3 बजे तक, मैंने सोचा कि कहीं दूसरे चैनल पे तो नहीं चले गए आप। नहीं 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 नहीं, बज़ एफएम 99, बज़ एफएम 97 इस्लामाबाद और 99.4 लाहौर, शो इज गोइंग अमेजिंग, थैंक्स लॉट वजीर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। और अगला कमेंट आपका भी हो सकता है, और वो लोग जो मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से RJQK के पेज पर आ जाएं, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे शो में शामिल हो जाइए। सो जिन लोगों की कॉल नहीं मिली वो मुझे कॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, 04235774942 इज द नंबर टू डायल। मनाल खान कहती हैं कि अल्लाह ने आपको हमारे लिए, ओ बहुत शुक्रिया।
अच्छा आरजे बना के भेजा है जो हमें हंसाते हैं. ओके मरीहाना मरीना खान के दी शोर कंटिन्यू. शबाज जानी अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं. थैंक यू. सो आजो बज एफएम के फेसबुक पेज पर आपने मुझे ज्वाइन करना है बड़ी आसानी से. अपने फेसबुक पेज पर जाना है आज से बज एफएम टाइप करना है मेरे शो में कमेंट करना है. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो कौन कहाँ से. हेलो मदर कराची से. कराची के तमाम लिसनर्स को क्यूके का सलाम है मदर भाई. वालेकुम अस्सलाम. जीते रहिए. मेरी दुआएं आपके साथ मदर भाई. कराची के किस एरिया से कॉल कर रहे हैं मुझे. PCHF से. कहाँ से. PCHF ब्लॉक 2. अच्छा जबरदस्त. तो कब से सुनना शुरू किया मदर भाई आपने मुझे. मैं आपको कुछ 3 महीने से सुन रहा हूँ. मदर भाई पकड़ा गया आपका झूठ. मैंने तो अभी एक हफ्ता हुआ शो शुरू किए हुए. बदल खुश आमदीद कहूंगा आपने. किसी और चैनल से भी आप आते थे. नहीं मैं कभी किसी और चैनल पे नहीं आया. मैं सिर्फ बज एफएम या रेडियो आवाज हमारा नेटवर्क है उस पे आता था. बहरल ये बताइए जनाब के कैसी गुजर रही है जिंदगी. बड़ी अच्छी गुजर रही है. रिटायर्ड लाइफ बैंकर था. क्या कह रहे हैं आप. बैंकर भी था और आरजे भी था रेडियो पे एफएम पे. आप बैंकर भी थे और आरजे भी थे. 12 साल. वाह 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 वाह. अपने शो का इंट्रोडक्शन कैसे देते थे आप. मुझे शो में आते थे तो कैसे लोगों से बात करते थे. तूने कहा नहीं था कि मैं कश्ती में बोझ हूँ. तूने कहा नहीं था मैं कश्ती में बोझ हूँ. आंखों को अपना मूड मुझे डूबता भी देख. आए हाय 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 क्या बात है मजर भाई. आप तो छा गए यार. आपने तो बैंकर एज अ बैंकर भी काम किया और आप आरजे भी रहे. जबरदस्त. सारा दिन नोट गिनते थे. सारा दिन नोट गिनते थे उसके बाद फिर लोगों की कॉलें. आए बड़े फैंस हो गए आपके. तो बड़े फैंस हो गए. क्या बात है ना मजर भाई. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको मजर भाई. शायद लगता है भाभी आ गई. मदर भाई फड़े गए. अगर भाभी आ जाती बताओ मैंने कैसे बोलना था. नहीं मैंने नहीं बोला था. मेरे एक करेक्टर है प्रोग्राम का. हेलो हाय मजर कैसे हो. किस टाइम पे कॉल करके तंग कर रहे हो. ओके यू कैन जॉइन मी एज वेल यार. 04235774942 इज द नंबर. आई रिपीट 04235774942 इज द नंबर. लाइव कॉल्स लूंगा आपकी साथ आपके कमेंट्स भी शामिल करूंगा. अपना फीडबैक दीजिए मुझे बज एफएम की पोस्ट पर. आओ जल्दी से कमेंट करो मेरे शो में शामिल हो जाओ. सो तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरे आगे चांद पुराना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरे आगे चांद पुराना लगता है. आग का क्या है पल दो पल में लगती है. आग का क्या है पल दो पल में लगती है. बुझते बुझते एक जमाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरे आगे चांद पुराना लगता है. आग का क्या है पल दो पल में लगती है. बुझते बुझते एक जमाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं. तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं. सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरे आगे चांद पुराना लगता है.
आग का क्या है, पल दो पल में लगती है. आग का क्या है, पल दो पल में लगती है. बुझते बुझते एक समाना लगता है. तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है. तेरे आगे चांद पुराना लगता है. आप सन रहे हैं मिड नाइट बज विद आज क्यूके ओनली ऑन 99.4 FM लाहौर, बज एफ एम एंड बज एफ एम 99 कराची एंड बज एफ एम 97 इस्लामाबाद. यू कैन ज्वाइन मी. आप मेरे पोस्ट पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे इस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे शो का हिस्सा बन सकते हैं. फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है आप लोगों को ये शो. और मीनवाइल यू कैन कॉल मी एज वेल. 12 से 3 होता है ये शो. आज कुछ मिनट्स ऊपर चला गया हूं मैं. उसकी रीजन ये है कि तुम लोगों के कमेंट्स मैंने शामिल करने थे. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. और जिन लोगों ने मेरी इस पोस्ट को लाइक किया है उनमें रिदा खान है, थैंक यू सो मच, यासिन महमूद हैं, मरीना खान है, इकरा खान है, राजा जी हैं, अनस चीमा है, और कौन है, और कौन है, कौन है, कौन 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 मनाल खान है, मासूमा काजमी है, सलीम नूर है, जाहिद हुसैन है, मलीहा बिनते अनम है, मानो मुगल है, शहबाज जानी है, अरीबा है, राबिया है, शुवाइला है, हरीम फातमा है, हमजा अलवी है, इकरा नाज है, महासाबरी है, आयशा गुल है, फाइका खान है, तहसीन भट है, डीजे बिलाल है और एंजल शेख हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फीडबैक, फॉर जॉइनिंग मी. आप लोगों के इस अपनेपन का बहुत बहुत शुक्रिया. यू आर लिसनिंग टू मिडनाइट बस विद आरजे क्यूके एकदम लाइव. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. ओके, यू कैन कॉल मी. आप कॉल कर सकते हो, फोन उठाओ एंड कॉल मिलाओ 04235774942 इज द नंबर टू डायल. आई रिपीट 04235774942 इज द नंबर टू डायल. अब ज्वाइन कीजिए मुझे फेसबुक पेज पर. अब बज एफ एम पर आ जाइए, बज एफ एम को आप ज्वाइन कीजिए. फेसबुक पेज पर सर्च करेंगे तो आपको बज एफ एम मिल जाएगा हमारा पेज. उस पेज पर पहली पोस्ट है आरजे क्यूके की, उस पोस्ट पर आकर कमेंट करो, अपना फीडबैक दो, तुम लोगों को कैसा लगा मेरा शो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. अब नेक्स्ट कमेंट किसका है, जनाब रिदा. रिदा खान बहुत खुश हो रही हो. ओए कहां से हो, वे आर यू फ्रॉम. बहुत अच्छी तरह पोएट्री पढ़ते हो, बहुत मजा आता है सुन के. थैंक यू फाइका. रिदा खान बहुत मजे का शो है. हाय रिदा, कब से सुन रही है मुझे लड़की. मनाल खान क्योंकि जी कसम से शोल्डर्स में हिम्मत आ गई है आपको सुनकर. हाँ क्यों शोल्डर्स पे, क्या तुम आटे की बोरी उठाती हो लड़की. अल्लाह पाक आपको नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों वाली जिंदगी दे. रिदा खान कहती हेलो, हाय रिदा कैसी हो. ओके मनाल खान क्योंकि मैं आपको एक साल से सुन रही हूं और जो दिलों में रहते हैं वही हमेशा आबाद रहते हैं. दैट्स इट. मनाल खान कहती मैं भी बहुत प्यारी हूं, मेरे आगे चांद नहीं सूरज भी बुझ जाता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं. आए हाय देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा. ओके फाइका खान सुपर्ब, थैंक यू. मरीना खान ऑसम शो, बहुत शुक्रिया मरीना आपका भी.
वजीर भट्ट कह रहे हैं कि बाय, आई एम गोइंग टू स्लीप, वी विल मीट इन नेक्स्ट शो. ओके, हाँ जी, कल इंशाल्लाह 12 बजे दोबारा मुलाकात होगी तुम लोगों से. और अभी मैं भी जाने वाला हूँ, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा. जाते जाते अगर कोई कॉलर रह गया है जिसकी कॉल नहीं मेरी मेरे शो में, तो मुझे ज्वाइन कर सकता है 04235774942 पर. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एंड थैंक यू सो वेरी मच माई कराची टीम, लाहौर टीम एंड इस्लामाबाद टीम. आप लोगों के अपने मन का शुक्रिया, आप लोग मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करते हो यार. सो थैंक्स लॉट कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर टीम. कसम से मेरी अम्मी खुशी से पागल हो गई हैं. क्यों मनाल, क्या बताए, खुश रहें, पागल ना हो. ओके, मेरी अम्मी मेरे लिए जागी हुई हैं, मेरे कमेंट्स के लिए, ताकि प्लीज ज्यादा बोले मेरे कमेंट्स. हाँ मनाल खान, आपके कमेंट्स मैंने पढ़ लिए. मनाल खान बहुत अच्छी है, आपका बहुत ख्याल रखेंगी. मनाल, लारेब, शो वाज सो गुड. लारेब हारून, थैंक यू सो वेरी मच लारेब. अपने और जो आपके फेलोज हैं, आपके कलीग्स हैं, या आपकी सहेलियां हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सबके साथ शेयर करना है इस शो को. और जो लोग मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा फेसबुक पेज है आर जे क्यू के ऑफिशियल का, उस पेज को फॉलो करो, लाइक करो, तो मेरे साथ तुम लोग टच में रहोगे डायरेक्टली. मैं शो करूं ना करूं, मैं उस पेज पर तुम लोगों के साथ मौजूद रहता हूं. रोजाना 11 से 12 मैं शो करता हूं वहां पे. आपकी आवाज सुनकर फ्रेश हो गई मैं. और कौन कौन फ्रेश हुआ मेरी आवाज सुन के, और किसने मुझे ज्वाइन किया है. दिस इज तहमीना फ्रॉम कराची, थैंक यू सो वेरी मच तहमीना मुझे ज्वाइन करने के लिए. योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल रिदा खान, थैंक्स अ लॉट रिदा फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड हमेशा आपके शो का इंतजार रहता है. एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच. अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा. जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया, वो मुझे मेरे फेसबुक पेज आर जे क्यू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए वहां पर. और उसके साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है आर जे क्यू के ऑफिशियल के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए आर जे क्यू के ऑफिशियल, और उसमें मेरे साथ आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. सो जाते जाते वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट नंबर, आई लव टू प्ले दिस ट्रैक इन माई शो, एंड दिस इज, डू यू नो दैट, तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते हैं, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते हैं, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. फाइनली क्यूके को जा दीजिएगा मिडनाइट बर्स में. आपसे कल 12 से 3 दोबारा मुलाकात होगी. एवरी मंडे टू थर्सडे होता है ये लाइव शो, और आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं बज एफएम पर. बज एफएम की पेज पर आ जाइए अपने फेसबुक पेज से. पहली पोस्ट है गपशप टाइम विद क्यूके की, उस पोस्ट को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, उस पर कमेंट भी कीजिए. थैंक यू इस्लामाबाद, थैंक यू लाहौर, थैंक यू कराची, पूरी दुनिया में जो लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया. Buzz FM 99.4 Lahore, Buzz FM 99 Karachi and Buzz FM 97 Islamabad. These frequencies, yaad rakhiyega, is per daily, yani Monday to Thursday, aaj ki kyunki ka ye midnight buzz hota hai. Mujhe bhoolna nahi tum logon ne, ha? Mere aaj kafi purane listeners bhi aaye, unka bhi shukriya. Aur jo new listeners hain, welcome to my show, ha? और जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं पर्सनली, मेरे आर जी क्यू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आ जाइए. आर जी क्यू के टाइप करेंगे, कैपिटल जो है आप लेटर्स टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज मिलेगा. उस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे से रबते में रहिए. क्यू क्यू को इजाजत दीजिएगा. फाइनली अल्लाह हाफिज, एंड दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल. तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर समझता है दिल, ओ तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल.
क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया मुझे, एक शराबी बना दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर, शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिश है, पिलाई है किस नजर से तुमने कि मुझको अपनी खबर नहीं है, प्यार ने तेरी चाह ने शराब पीना सिखा दिया, ये
जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है। मगर हाँ जिंदगी में
फिर हंसाने मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसाने लगाया दिल बहुत पर तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं हमें गैरों से कोई गिला नहीं तेरे जैसा कोई हम को मिला नहीं लगा दिल बहुत पर दिल लगा